नमस्ते मित्रों, हमें यह बताने का आप कष्ट करें कि वो उप प्राण या लघु प्राण क्या है या कितने हैं, इसके क्या उपयोग है, इन सबों से हमें संक्षेप में अवगत कराएं। तंत्रिकाओं और सारे ज्वाइंट्स में भी एक कोऑर्डिनेशन लाकर उन्हें सक्रिय बनाता है, साथ ही यह शरीर को लंबवत स्थिति में भी रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अंतिम है बयान, यह शरीर की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है और अन्य प्राणों के बीच यह समन्वय भी स्थापित करता है। यह अन्य प्राणों के लिए ही आरक्षित प्राण शक्ति की भूमिका भी निभाता है और यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। तो यह तो थे पंच प्राण और उनके कार्य। आपने पूछा उप प्राण या लघु प्राण क्या हैं, कितने हैं, तो मित्रों यह जान लीजिए कि पांच मुख्य प्राणों, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, इसके साथ ही पांच लघु प्राण भी हैं जो उप प्राण कहलाते हैं। ये पांचों उप प्राण हैं नाग, कुर्म, किक्कर, देवदत्त और धनंजय। तो आइए इनके विस्तार में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह नाग जो है हमारे डकार और हिचकी के लिए उत्तरदायी होता है। ये कुर्म जो है नेत्र हमारे इनको ऑपरेट कराता है, पलकों को झपकाता है। तीसरा है किक्कर, किक्कर हमारे क्षुधा प्यास जो हमारे एंगर हैं, एपिटाइट हैं, छींक हैं, खांसी हैं, ये सबको उत्पन्न करता है। चौथा है देवदत्त जो कि हमारे नींद को और जम्हाई को लाता है। और पांचवा अंतिम है मित्रों धनंजय, यह मृत्यु के तुरंत बाद ही कार्यशील हो जाता है और शरीर के अपघटन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि मरने के बाद हमारे शरीर को कंप्लीटली यह डिग्रेड कर देता है।